देश में कोरोना वायरस ने जो कहर बरपाया है वह हर लोगों के जहन में सदियों तक रहेगा। यह महामारी हिंदुस्तान के हर बासिंदे को घर में रहने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन शानदार और जानदार मेडिकल महकमे के साथ प्रशासन और पुलिस ने जो काम किया है वह दशकों तक याद रहेगा। मध्य प्रदेश में लगातार राहत भरी खबरें आ रही हैं, कभी भोपाल से तो कभी अन्य जिलों से, लेकिन इस बार बारिश सागर जिले से, जहां पॉजिटिव मरीज समीर खान ने मौत से जंग जीतकर कोरोना वायरस को हरा कर एक नई और यादगार जिंदगी का आगाज किया है। मेडिकल महकमे ने आज उसकी हॉस्पिटल से विदाई दी। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि बिना फैमिली के 15 दिन रहना बहुत मुश्किल, बाकी ऊपर वाला सब करा देता है। तो फैमिली पूरी पीछे खड़ी है, जिसने पूरा सपोर्ट करा सबने साथ दिया। लापरवाही कर रहे हैं, प्लीज भाई लापरवाही मत करो, अपनी जान के साथ मत खेलो, दूसरे की जान के साथ मत खेलो। और प्लीज मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है उन लोगों से, जिन लोगों को कोई भी बीमारी है वो लोग चेकअप कराने नहीं आ रहे हैं, भाई तो अपना नहीं सोच रहा तो अपनी फैमिली का सोचो यार, कम से कम फैमिली तो है तुम लोग की, जो तुम लोग के पीछे है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के तमाम डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच आज पहले पॉजिटिव मरीज को कोरोना वायरस पर जीत दर्ज करने के लिए बधाई दी गई। साथ ही समीर खान को डिस्चार्ज किया गया है, अब वह अपने घर के लिए रवाना हुआ है और 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहेगा। वो 7 तारीख को उसकी सैंपल लिया था, 10 को रिपोर्ट आई थी और तब से ये हमारे यहाँ पे इस अस्पताल में भर्ती था। आज उसको डिस्चार्ज किया और डिस्चार्ज में उसने जितने भी पूरे क्राइटेरिया वो पूरे सही पाए गए हैं, और इस कार्य में खासकर जिला प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का, नगर निगम का और सभी सहयोगी विभाग का विशेष योगदान रहा, जिसकी भी वजह से हम ये टारगेट हम पूरा कर पाए। आज सागर में उमंग की लहर है। मेडिकल महकमे की काबिले तारीफ और जज्बातों से भरी इस संघर्ष को याद किया जाएगा। सागर आज अपने मनोबल से जीता है। सागर के हर एक शख्स को उम्मीद थी कि समीर खान ठीक हो जाएंगे, और आज समीर खान ने भी यह बता दिया कि अगर हौसले हो तो मौत को भी हराया जाता है। कोरोना वायरस की पहली जीत पर सागर एक्सप्रेस न्यूज, मेडिकल महकमे, जिला प्रशासन, पुलिस महकमे को उनकी मेहनत के लिए सलाम करता है, साथ ही समीर खान को भी बधाई देता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।